नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान के साथ एयरपोर्ट पर बदसलूकी हो गई। यह अभद्रता इरफान के साथ तब हुई जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। दरअसल इरफान जब परिवार के साथ मुंबई से दुबई की उड़ान में सवार हो रहे थे, आरोप है तभी उनके साथ ऑन ग्राउंड स्टाफ ने बुरा व्यवहार किया। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी खुद इरफान ने ट्विटर के माध्यम से दी। इरफान ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज मैं विस्तारा फ्लाइट UK201 से मुंबई से दुबई की यात्रा कर रहा था। चेक इन काउंटर पर मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ। विस्तारा अनजाने में मेरी टिकट को डाउनग्रेड कर रहा था, जो कि एक कंफर्म बुकिंग थी। मुझे इस केस के समाधान के लिए काउंटर पर 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे 5 साल और 8 महीने के बच्चे को भी इससे गुजरना पड़ा। इरफान ने आगे कहा कि एयरलाइंस का स्टाफ उनके साथ साथ अन्य यात्रियों के साथ भी काफी अभद्र व्यवहार कर रहा था। उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। इरफान ने कहा कि एयरलाइंस ने टिकटों की अधिक बिक्री की और फिर यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इरफान की शिकायत पोस्ट के बाद पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा, विस्तारा तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस पर इरफान पठान ने कमेंट करते हुए लिखा, मेरी गोद में छोटे से बच्चे को देखने के बाद भी ऐसा व्यवहार किया गया। आपको बता दें, इरफान पठान एशिया कप में कमेंटेटर की भूमिका निभाने जा रहे थे। इस लंबे टूर पर वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ ले गए। पठान के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 29 मैच खेलकर 100 विकेट झटके। साथ ही उन्होंने 31.57 की औसत से 1105 रन भी बनाए। वनडे में पठान ने 120 मैच खेलकर 173 विकेट लिए, जबकि 23.39 की औसत से 1544 रन भी बनाए। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 24 मैचों में 28 विकेट झटके।